जब परसों ससुराल को जाइयो तब तुम खूब रो लियो। और रुक्मिणी बोली, मैया अब तू जय जान ले कि तेरी बिटिया अब ही जाती है। अब अम्मे का मालूम बिटिया कौन सी नौटंकी करने जाती, अम्मे कहा मालूम। और एक बात और बताओ यज्ञपति जी, कहां देखा था, कहां देखा था? हम क्या कह रहे थे बताओ, कथा कहां चल रही बताओ। अच्छा कथा चल रही कहीं तखत के ऊपर। अरे और कहां चल रही कथा, कहां चल रही? पंडाल के नीचे। हाँ, और एक बात और बता, तुम्हारे जमाने की बात है और मुंह नेक नेक सोते हैं। पहले की बेटियां जब ससुराल को जाओ करती थी तो मैया बबला के गले से लग के खूब रो करती थी। अब ना रोती, रो करती थी जी। बूढ़ी बूढ़ी बैठी है जी, जाओ करती तो मैया बबला गले से लग के खूब रो करती थी। टोला मोहल्ला के सब इकट्ठी हो के और एक लोटा में पानी और ले लो जाते, वो गलो ना सूख जाए। अब जे पढ़ी लिखी ना है रोती हूँ, घर में मैया रो रही है, बबला चौकर पकड़ कर रो रहा हूँ। और जे एकदम स्कॉर्पियो बैठी, टाटा बाय बाय और गई। पहले की बिटिया रो करती थी, पहले अब जो पढ़ी लिखे ना रोती, इनके पेट में लड़गुआ से तो कब करते खाली अंत निकल पाए। और तब तक रुकम आ गया, रुकम कहने लगा, हे रुक्मिणी कहां के लिए जा रही है? रुक्मिणी कहने लगी, भैया पूजा करने के लिए हकला क्यों रही है? पंद्रह सौ जवान तैयार हो गए, मैं लाठी भाले बंदूकों की। रुक्मिणी को तो गुस्सा के मारे पेट में सुलग गया, सोच लगी जे जा रही पंद्रह सौ दे आई दुई बिना लड़ाई भाई नहीं बचे। पीर का राजा दे दिया है रुक्मिणी को और जो अलोपा देवी के मंदिर में प्रवेश हुई है रुक्मिणी, भगवान कन्हैया को पता लग गया कि आएगी तो भगवान कन्हैया ने खेत को चक्कर काट के मंदिर के ठीक सामने रथ खड़ा कर लिया। और जो रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली और जो भगवान कन्हैया पे नजर पड़ी, अरे दैया यो एक्सीडेंट हो गो, एक्सीडेंट। और क्या हुआ, नजरबाद में नजरबाद को नजर मारते नजर से देखा और नजरबाद की नजर पड़ी तो नजर चुराते देखा। रुक्मिणी के आंसू निकले गाल पे लकीर बराबर धरती पे समा गए, मानो उन आंसू ने सादा किया हो कि रथ को ये और बढ़ा ला। तो भगवान तो सब ही डाले पकड़ी, भगवान कन्हैया की मुट्ठी खुल गई, दांत इतने चमकीले थे जो पंद्रह का जवान खड़े थे उनकी आंख में लग गया डपका। और भगवान कन्हैया ने मारो लपका करिए चार थे। अब खड़े
जिस रास्ते से होकर के आए हो उसी रास्ते से चुपचाप निकल जाओ, इसी में आए। मगध के राजा दरा सिंह है, स्वागत है तुम्हारा। किस बात का स्वागत है? अरे तुम्हारी यहाँ का स्वर्ग बाल पैदा हुई है। क्या मतलब? याद भूलिए कि क्या याद भूल गए? मैंने तुम्हारे ऊपर जूता कितना बजाया है? कभी नहीं बजाया। किसने देखा? देखा हो बताओ। तुम्हारी आंख में सूर का बाल पैदा हो गया। नहीं, इस रुकमणी को नीचे उतार दो और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से निकल। ये तुम्हारी रुकमणी है? एक बार क्या बताओ, बारात में आए कि घर आए? हम बारात में आए। बारात? तो पूरी रसगुल्ला खाओ ना, मत बहुत से और बताए। इसकी मैया ने वो नार पैदा किया, इसलिए चुपचाप रहो। 17 बार तुम्हें मार मार करके मैंने भगाया, 18वीं बार फंसे आ गए। भगाया होगा तो तुम्हारी आंख में सूअर का बाल पैदा हो गया है। ये तो रुक्मिणी तुम्हारी है कौन? रुक्मिणी? रुक्मिणी हमारी बुआ है। तो हम तुम्हारी फूफा हुई है। देखो, जान ना पहचान बने फिर तो मेहमान, ऐसे ही फूफा हो। ये कौन है? ये हमारा मंत्री है, बड़ा वफादार श्वान है। बिल्कुल, जिसे काट लेते 14 इंजेक्शन लगे थे। बिल्कुल। देखो भैया, हम लड़ाई करने के लिए नहीं है। लड़ाई तो होगी। अरे मेरे राजा को छोड़ो। रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। रुकमणी को उतार दो, चले जाओ। बात हम तक करो। चलो बताओ, ऐसा करो जा, रुकमणी नीचे उतार दो और तुम छुपा चले जाओ। कैसे खेतन माया की माया? रुकमणी ना नीचे उतर गया। रुकमणी रुकमणा एक ही चिमटा नीचे डरे दिखाओ। रुकमणी तेरी कौन है? अमाई जा, हमारी मौसी है। जब मौसी है फिर एक रास्ते में जा, मेरी बुआ जी और लग रही है। अच्छा, हाँ। तो उतार ले अपनी बुआ। उतार ले, उतार ले। सही बताओ, सही में बुआ तू कहाँ जा रही? अब लला हम तुम्हारे फूफा के संग जा रही। उतर या तो मेरी कसम हो, आ बजे तो मूछ है और ठाड़ी है। हाथ मत लगा मेरी। तो पाए लगाए। तेरी बुआ हम लेके नहीं जा रहे। जा तुम्हें लेके जा रही। तेरी बुआ हमें लेके जा रही। जा कैसा लेके जा रही? तेरी बुआ ने मेरे लिए भेजा पत्र। लव लेटर भेजो। तब हम आए। कहाँ भेजो दिखाइयो? घरे रखे। उतर या पिया, उतर ना ही बुआ। तेरी किस्म खूब छोटे तुक्का मिर्ची गेली पिलिया और बेलिया रखे तुमने। अब लला हम तुम्हारे फूफा के संग बिलक्षी कराए नहीं। मरे बुआ फिर हम नहीं जानते पीछे का सर करे। बता हम तो युद्ध करोगे, मल युद्ध करोगे, क्या करोगे उसको बता। मल युद्ध कर दो। आजा। तुम जो करो मैं वही करूंगा। जो हम करे सोई करे हो? हाँ। मल युद्ध करे हो? हाँ। युद्ध करे हो? बिल्कुल। भजे हो? बिल्कुल। मूड का भर भजे हो? बिल्कुल। जो हम करे सोई करे हो? बिल्कुल करूंगा। ना कर पाओ फिर ला जाए ना पाओ तो नहीं ले जाएंगे। पक्की कह रहे? पक्की। सही बताओ। बिल्कुल सत्य कह रहा भाई, सत्य कह रहे। अब देखियो हम कहा कर रहे, देख लियो। बताओ, देखो हम का करें। क्या किया बताओ? हम मुर्गा बने तुम बने। क्या मतलब? हम मुर्गा बने तुम बने। और क्या करोगे बताओ? जो हम करे सोई करे। हाँ? तुम देखियो ये हमने का करो। तुम देखना है रे? क्या जगह प्लास्टिक की दे। क्या करें बताओ? हमने का करो तुम्हें मालूम ना? मुझे नहीं मालूम। देखियो तुम देखना है। क्या देखे भाई? हमने का करो। क्या जब लगत बहुत है जब प्लास्टिक ही है दे। तुम देखना है पाए? देखियो हमने क्या करो, देख लियो। करो अब देख लो। तुम ले जाना है ऑटो। आ जाओ, युद्ध हो जाए। आए तो जाओ। आज मगर के राजा डरा सन में युद्ध हुआ, मार मार के भला वहां से भगा दिया। इधर रुद्रम को पता चला कि मेरे होने वाले रिश्तेदार से ठुके भाग गए। रुकम ने भरे दरबार में हाथ उठाया कि अगर मेरे कन्हैया बलराम को एक गुना मार पाया तो जिंदा आकर के कुंडल पर मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ये रुकम भगवान के सामने पहुंचा और लड़कार कर
के बोला है। कन्हैया इस रुक्मिणी को उतार दो और चुपचाप निकल जाओ। आइए साले साहब। आए किस बात के साले साहब? स्वागत है तुम्हारा। किस बात का स्वागत है? तुम्हारे यहाँ की ये संस्कृति है? बिल्कुल। क्या अपने मेहमान उस तरीके से बोलो? हाँ आइए। रुक्मिणी को नीचे उतार दो। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ भाई। किस बात का सम्मान? अरे जा रुक्मिणी तुम्हारी कौन है? अरे ये रुक्मिणी कौन है? ये रुक्मिणी हमारी बहन है। तो हम तुम्हारे कौन हुए? कौन ना बात हमने धोरा आया गुरु जी। बिल्कुल पागल है। एक ही ढाप रख पर तुझे दांत बाहर निकल पड़ेंगे तेरे। काहे के मारे निकल पड़े? सही बात कह दे। मैं रुक्मिणी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में पैदा हो। वो तो पागल है, बात हमसे करो ना। चल तू बात कर हमसे। ये हमारी मौसी है। तो हम तेरे मौसा है? ऐसा ही मौसा हो। हमें कौन सी कमी? जा लगा चना बोरा का सो धरो। मेरी माँ मुझे खवाती है। मेरी माँ मुझे पिलाती है। क्या बुकरिया का दूध? मैं भैंस का दूध पीता हूँ। बहुत बेकार है बुकरिया का दूध। जान बहुत फायदा का दूध। प्लेट फक्कर पूरी हुई याद ताता उतर यही रहे भाई। रुक्मिणी हमें आत्मन से चाह रहा है। तो मैं आत्मा चाहू परमात्मा चाह। उतार ले उतार ले। तामू गटुंगा गौना सूखा लगने की आवाज बढ़ाई दिए। हेलो हेलो उतरे ना जा उतरे ही ना भाई। रुक्मिणी हमें आत्मा से चाह रहा है। उतार ना जाओ मान जाओ। नहीं उतरे उतरे ना ना। कह रही मौसी तू कहाँ जा रही? तुम्हारी मौसा से हम फलक्सी कराए रही। तुम्हारी को बता रहा यार नहीं की लगा सोता आज कुछ है नहीं और क्या हो जाओ या उतर ना रही। तुमने जगह घटी पे लाए थे? उतर यही नहीं भाई। रुक्मिणी आत्मन से चाहती। आत्मन चाह? हाँ तुम्हारी किस्म तुम ले भाई हो? हाँ बड़ी हो आगे। चलो आप तो तुम क्या करे? फिर हम ऐसो हाल करें जो आज दिन तक काउ ना करो। सो करियो? बिल्कुल करो। अब करवे ना है सोई तो करें। तुम जाकर अरे तुमने ये तो बात आज तक किसी ने किया होगा वो करेंगे तो भाई करो। अब करवे ना है सोई है तुम जाकर दो बीघा खेत कराए दो मेरे ना। सो ना मैं खेत नहीं लूंगा। तो फिर का लियो? तो लोग नबे मेरे ब्याह नहीं करो तो मेरे ब्याह कर दे। देख लियो लोग एक ब्याह हमारे तुम्हारी जागत है। दिन जाए रो बकबक में रात जा रही तक दूसरो ब्याह हुई हो तो कछुआ ना है घुसिया दुकान में सट कैसे घुसियो। क्या दशा है मेरी? एक एक के मारे तुम्हारी जागत है। दिन जाए रो बकबक में रात जा रही तक तासा एक ही राग और राजी। रुक्मिणी तो लेके जाऊंगा। रुक्मिणी तो ना ही जाए या मान लो तो जाइए और ना गई फिर ले जाएंगे। मारे जाओगे इधर आओगे तो फिर मारे जाओगे फिर पछताओगे फिर बाद में घर नहीं पहुंच पाओगे। तासा मान जाओ मेरी बात। चल नीचे आज आ जाओ। आज रुकम नीचे कूद पड़ा भगवान कन्हैया भी कूद पड़े। साले साहब को उठाया और जमीन पे डाके पटक दिया और छाती पे डा करके बैठी। जो छाती पे बैठी सोई बहन के दिल में दया आ गई। आ देखे बहन की ममता भैया के लिए एकदम जाग उठी और अपनी सारी की झोली बनाई और अपने भैया के सामने पहुंच गई और कहने लगी पिया भैया को छोड़ दे भैया को मारो ना शमली कुल को दाग लग जाइए और हम सासुरिया की देरी ना देख पाए। देखी बहन की ममता बोलो बोलो। हेलो हेलो नहीं नहीं भैया बस धन्यवाद। हेलो